नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और हमारी इस खास पेशकश में वक्त इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। पूरी दुनिया में जब से कोविड 19 पैंडेमिक की शुरुआत हुई है, तब से पूरी दुनिया के लोग दो चीज़ों पर निर्भर हैं और दो चीज़ों को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। पहला है इस संक्रमण से बचने के लिए मास्क और दूसरा हैंड सैनिटाइज़र। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए कितनी हानिकारक हैं या फिर इनसे कोई परेशानी हमें नहीं होने वाली है, इस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट और या फिर हम आसान भाषा में कहें तो सीनियर स्किन डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है वक्त इंडिया में आपका। बहुत सर, हमने देखा जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है अक्टूबर नवंबर महीने से, जब चाइना से शुरुआत हुई और मार्च के करीबन महीने में हमारे भारत में इसने जो अपना पाँव पसारने शुरू किए, तब से दो चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, एक तो मास्क, दूसरा हैंड सैनिटाइज़र। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम हैंड सैनिटाइज़र की बात करें, क्या ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल है या इससे कुछ हानिकारक हानि भी हो सकती है हमारी स्किन को? देखिए, इस संक्रमण से बचने के लिए जैसे आपने वजह फरमाया कि हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है, पर हैंड सैनिटाइज़र जो उपलब्ध हैं वो दो किस्म के हैं, एक तो जिनमें अल्कोहल बेस्ड हैं और एक जिनमें एंटीबायोटिक बेस्ड हैं। अब हमें हैंड सैनिटाइज़र जो हमें अभी रिकमेंडेशंस हैं कि कौन सा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए आम लोगों को, वो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। और अल्कोहल कौन सी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस सैनिटाइज़र में, क्योंकि सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल है वो अगर मिथाइल अल्कोहल होगी तो बहुत हानिकारक है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से लोग अंधे हो जाते हैं, तो वो मिथाइल अल्कोहल ही होती है जिसे, क्योंकि वो सस्ती होती है। तो अगर कोई सैनिटाइज़र में मिथाइल अल्कोहल का भी मात्रा है तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो सैनिटाइज़र हमारे लिए फार्मूलेटेड हैं उनमें जो आइदर या तो इथाइल अल्कोहल होनी चाहिए या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होनी चाहिए, और उसकी मात्रा जो रिकमेंडेड है वो 60-70% जो है वो काफ़ी है। किस सैनिटाइज़र में 60-70% अल्कोहल है वो आपका संक्रमण रोकने के लिए वो काफ़ी है। यहाँ तक दूसरे सैनिटाइज़र हैं वो मेडिकल सैनिटाइज़र हैं, वो मेडिकल कंडीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, ट्रिक्लोसैन या कुछ ऐसे करके और एंटीबायोटिक्स होते हैं, पर उनका बार बार यूज़ करना आम पब्लिक के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के थ्रू अंदर, तो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं उसको कम कर देते हैं, और दूसरा वो आपके बॉडी डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं। इवन कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल या कोई छोटा बच्चा यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं वो। तो ऐसे में जब भी आप सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहें तो सबसे पहले ये आप देखें कि उस सैनिटाइज़र में कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक ना हो, वो सिर्फ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हो जिसमें 60-70% अल्कोहल मौजूद हो। दूसरा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम कब करें? सैनिटाइज़र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल करना हर टाइम ज़रूरी है। जब आपके पास साबुन उपलब्ध है तो आप हमेशा साबुन का यूज़ कीजिए। सैनिटाइज़र उन्हीं टाइम के लिए यूज़ कीजिए जब आपके पास ऐसी कंडीशन में है, फ़र्ज़ करें आप सफ़र कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया आप कहीं बाहर निकले हैं, यहाँ पे आपको सोप अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी होगा, वहाँ पे आप सैनिटाइज़र यूज़ करें। और सैनिटाइज़र का यूज़ जो है वो एक अच्छे तरीके से करें, क्योंकि सैनिटाइज़र अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं हाथ में और इनको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको लगा के फैला देते हैं और थोड़ी टाइम ही लगता है उसको, 20 सेकंड कोई दें सैनिटाइज़र को अपना असर करने के लिए ताकि वो संक्रमण को रोक पाए। अगर आप इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो वो संक्रमण रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा। और सैनिटाइज़र में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सैनिटाइज़र में क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है और आपकी स्किन में से नमी सोखता है। उसके साथ क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर आप सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पैरानॉइड हो जाते हैं कि हाँ जी मुझे सैनिटाइज़र करना है, किसी को छुआ फिर सैनिटाइज़र करना है, तो उससे क्या होगा, स्किन पे साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपको एलर्जी के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे, आप नॉर्मल चीज़ों को रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ नमी तो वो सोखेगा सोखेगा, उसमें जो हमारा नॉर्मल तेलीय चीज़ है वो भी वो सोख लेती है, जो हमारी सिक्रीशंस है तेलीय सिक्रीशंस स्किन की, उससे कट आना शुरू हो जाते हैं। और जब कट आना शुरू हो जाएंगे आपकी स्किन में तो नेचुरली आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। जब भी आपको ये सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है तो उसके साथ आप उसको अपने हाथों को मॉइस्चराइज़र भी रखिए साथ में,
ताकि आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर पाएँ, ताकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट आपके साथ ना हो। पर कभी कभी किसी लोगों के साथ क्या होता है, जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं हम, काफ़ी सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, कईयों में कुछ फ्रेगनेंस डाल दी जाती है या कईयों में कुछ कलर डाल दी जाते हैं ताकि उनको थोड़ा ओवर अपीलिंग आपके लिए, एस्थेटिकली अपीलिंग बनाने के लिए। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों से, तो जब वो सेंसिटिव होती है तो जब वो लोग वो वाले सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं और एलर्जी के साथ उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सैनिटाइज़र जब भी चुने, मार्केट से चुने, उनमें देखें, उसके लेबल पे देखें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। एक ब्लैंड सैनिटाइज़र जिसके बीच में थोड़ी ग्लिसरीन मिली हो, या कोई ऐसा कोई आपके हैं जो, मैं वही पूछना चाहता था कि अभी मार्केट में दो तरह के सैनिटाइज़र अवेलेबल है, एक तो लिक्विड बेस्ड में है और एक थोड़ा जेल बेस्ड में है, तो बेटर कौन सा रहेगा? देखिए, ऐसा कहने को तो अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें कोई ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं आया है कि लिक्विड बेस्ड ज़्यादा बेटर है कि जेल बेस्ड ज़्यादा बेटर है। एक कहते हैं कि जेल बेस्ड थोड़ा ज़्यादा देर आपके हाथ में रहता है तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र उन्होंने मिक्स किया होता है जिससे वो जेल बनता है, तो थोड़ा सा आपकी हाथ में जो बेसिकली खुश्की पैदा होती है सैनिटाइज़र लगाने के साथ, जो लिक्विड बेस्ड सैनिटाइज़र के साथ होती है, वो जेल बेस्ड सैनिटाइज़र के साथ थोड़ी कम होती है। बट सैनिटाइज़र तब तक ही इफ़ेक्टिव है जब तक वो आपके हाथों पे है। जैसे ही आपका सैनिटाइज़र हाथों से सूख गया, अब ये कोई स्टे ऑन इफ़ेक्ट नहीं दे सकता आपको कि आपके हाथ में आपने सैनिटाइज़र लगाया और आधे घंटे के लिए आप संक्रमण से मुक्त हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अरे सर, हमने डॉक्टर साहब ये भी देखा कि जब COVID-19 की शुरुआत भारत में हुई थी तब सैनिटाइज़र की बहुत कमी चल रही थी, एक ही दो कंपनीज जो हैं, जैसे डेटोल हो गया, लाइबो हो गया, सेवलॉन टाइप की जो है कंपनियां सैनिटाइज़र बना रही थी। आज तो एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है सेवलॉन इसकी सैनिटाइज़र की, तो अब हम पहचान कैसे करें कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की है? कैसे हम एक आम आदमी को पता लग पाएगा कि जो वो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा है उसकी स्किन के लिए वो ठीक है भी या नहीं? क्योंकि अब डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जब इंडस्ट्री बड़ी होती है तो उसकी डुप्लीकेसी भी शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या है कि सैनिटाइज़र जो है बेसिकली अल्कोहल से बनता है, तो ये डिस्टिलरी से ही अल्कोहल जो है प्रोक्योर करना पड़ता है सैनिटाइज़र बनाने के लिए। शुरू में तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, प्री कोविड टाइम में, इरा में, तो सैनिटाइज़र बहुत कम उपलब्ध थे। बट अब ये जो पहले ही मार्केटिंग कर रही है सैनिटाइज़र इंडस्ट्रीज़ कर रही थी, वो ये पूरी कमी पूरी जो उपलब्धता नहीं कर पाई, तो इसीलिए काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है आगे आई जिन्होंने सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया, और सारे फार्मा हाउस भी, बड़े बड़े फार्मा हाउसों ने भी अपना अपना सैनिटाइज़र लाया। पर मेरा कहना यही है कि जैसे आपको एक डिटोल पे विश्वास है, ऐसे फार्मा में आपको कुछ कंपनियों पे विश्वास रहेगा कि ये सिप्ला है, ये फलानी कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कोशिश करें कि सैनिटाइज़र का, क्योंकि सैनिटाइज़र का रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि इतने ML का सैनिटाइज़र इतने का ही मिलेगा, तो बेटर है कि आप एक अच्छी कंपनी का सैनिटाइज़र खरीदें, और जब खरीदें तो उसमें पढ़ें जरूर लेबल में कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। और हमेशा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, कि किसी भी ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें जिसमें कोई क्लोरहेक्सिडिन एंटीबायोटिक हो, या किसी में कोई ट्रिक्लोसैन एंटीबायोटिक हो, या किसी में मिथेनॉल मिक्स हो, ऐसे सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ ना करें। तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे घर में इस समय बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो मतलब फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश तो करते हैं लेकिन खाना खाने से पहले उनकी मम्मी जो है लगा दिया उनको सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र कर दिया, या स्कूल बैग में जब जाते थे तो उनको हैंड सैनिटाइज़र करने के लिए बोला जाता था, और वो हैंड सैनिटाइज़र कर तुरंत खाना खा लेते हैं, या आँखों को छू लेते हैं, या सेंसिटिव पार्ट्स की जो बॉडीज़ को हैं उनको टच करते हैं, तो उससे आगे क्या हमारी तकलीफ जो हो सकती है? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि बच्चों के लिए एक ये आकर्षण की चीज़ है सैनिटाइज़र। आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने मम्मी डैडी से फरमाइश करते हैं कि मुझे सैनिटाइज़र लेके जाना है, स्कूल वालों ने कहा है, क्योंकि उनके लिए आकर्षण की चीज़ है। सैनिटाइजेशन एक पार्ट है उसका, बट वो उनके लिए आकर्षण की चीज़ है। तो ये जब बच्चे सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं अपने माता पिता की देखरेख में, तब तो ऐसी संभावना कम है कि कोई ऐसी चीज़ हो। पर बच्चे क्या होंगे कि बच्चों को, क्योंकि आकर्षण है, वो उसको बार बार यूज़ करेंगे, जब उसकी ज़रूरत भी हो तब भी उसको लगाना चाहेंगे। और बच्चों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, उनमें से जैसे मैंने तो स्किन के साइड इफ़ेक्ट आपको बताया कि एलर्जी होना, ये हाथ रूखे होना, ये तो कॉमन है ही है। पर बच्चे यही हाथ गीले सैनिटाइज़र के जब आंखों को लगाएंगे तो नेचुरली आंखों में इरिटेशन होगी। अगर यही हाथ अभी गीले हाथों से उन्होंने कुछ खाना खा लिया या हाथ मुंह में डाल दिया, तो अल्कोहल टॉक्सिसिटी, जैसे हम कहते हैं कि शराब ज़्यादा पीने से एक टॉक्सिसिटी हो जाती है, वैसे ये भी एक अल्कोहल है, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसकी वजह से
बच्चे को पेट में दर्द हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर सैनिटाइज़र गलती से कुछ ज़्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो उसके साथ तो फिर जो शरीर का नाड़ी तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चा कोमा तक जा सकता है। तो अगर सैनिटाइज़र में मेथनॉल थोड़ी मिक्स है तो जो आँखें हैं उनकी दृष्टि है उनको ख़त्म होने का बहुत खतरा रहता है। इवन कि कन्वल्शंस, दौरा भी पड़ सकता है सैनिटाइज़र अगर बच्चे थोड़ा सा निकल जाएं तो। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर घर में खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, बच्चे को ले जाएं। आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को ये खुद से यूज़ ना करें, पेरेंट जो है वो पेरेंट अपनी सुपरविजन में बच्चों से यूज़ कराएं। और घर में तो वैसे भी सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ तक हो सके सोप एंड वाटर का यूज़ किया जाए, क्योंकि सोप में आगे मॉइस्चराइज़र होते हैं वो आपकी त्वचा को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये सैनिटाइज़र सिर्फ उन कंडीशंस के लिए आप यूज़ करें जहाँ पे आप सोप एंड वाटर नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ आपको साबुन उपलब्ध नहीं है, बस उन्हीं कंडीशंस के लिए सैनिटाइज़र का यूज़। दूसरा, मैंने देखा जैसे शॉप से आप काम करते हैं या कुछ, वहाँ पे भी आप जब लेन देन करते हैं सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप काम एक कर रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइज़र तब यूज़ करें जब आपने उस काम को छोड़ के आपने खाना है या आपने कुछ और करना है या आपने अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। जब तक आप काम में हैं तब तक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार सैनिटाइज़ करें। ऐसे तो एक स्टडी ये कहती है कि सैनिटाइज़र का एक घंटे में एक बार यूज़ करें, एक बार यूज़ करें जब आप काम पे हैं जी, ताकि आप पे जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं स्किन के वो ना आ पाए। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि काम पर हैं तो बार बार इसके इस्तेमाल ना करें, लेकिन जैसे कहा जाता है कि कोविड नाक को छूने से, मुंह को छूने से या आँखों को छूने से फैलता है, तो ऐसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और कहीं संक्रमण हो रहा है तो उसके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे आजकल आपने देखा है कि कुछ फेस स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, अगर आप फेस स्क्रीन डाल लेते हैं चेहरे पर काम करते हुए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने चेहरे को डायरेक्टली टच कर पाएँ। तो मेरा तो ये एक सुझाव रहेगा कि जो व्यक्ति काम पे है वो अगर फेस स्क्रीन डाल के काम करे, एक तो नेचुरली उसका संक्रमण वैसे ही कम हो जाएगा और दूसरा वो अपने चेहरे को आसानी से टच कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उसके संक्रमण होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन जब डाली है तो फेस आपको सेंसिबल है ही नहीं। दूसरा, अगर ये भी जानना चाहूँगे कि जैसे हमने हैंड सैनिटाइज़र को अप्लाई किया अपने हाथों में, तो कितनी देर के बाद हम कुछ खा पी सकते हैं, कितना टाइम हमें वेट करना चाहिए ताकि जो अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाएं? देखिए, अल्कोहल जो है वो ईजिली एवेपोरेट हो जाती है स्किन से, तो ये 15 से 20 सेकेंड लेती है और ये एवेपोरेट होता है। जेल में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, पर जब तक आप अपने हाथों में ये देखेंगे बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक आप उससे कुछ खाएं ना, और प्रेफरेबली अगर आपके पास पानी उपलब्ध है, चलो सोप नहीं उपलब्ध है, पानी तो उपलब्ध है ही है, तो आप सैनिटाइज करने के बाद अपने हाथ पानी से धो लें ताकि उसमें कोई भी केमिकल जो कोई कंपनी ने मिक्स किया है जिसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कम से कम वो वॉश आउट हो जाए। संक्रमण से तो आप मुक्त हो ही चुके हो सैनिटाइजर लगाने से, तो पानी से हाथ धोने से आपका वो भी जो केमिकल से रिलेटेड साइड इफेक्ट होने वाला है वो भी उसका भी खतरा कम हो जाएगा। दूसरी तरह से जैसे अभी एंटीसेप्टिक्स आते हैं, डेटोल के एंटीसेप्टिक्स हैं, सेवलॉन के एंटीसेप्टिक्स हैं, इनको भी हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं? देखिए, डेटोल एंटीसेप्टिक और ये एंटीसेप्टिक वैसे तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारी अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम रेजिडेंशियल फ्लोरा कहते हैं। जब हम ऐसे डिटोल या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रिलेटेड हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो शरीर से धुल जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन वायरसेस हैं उनको शरीर में एंट्री करना आसान हो जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है इसके फ्रीक्वेंट यूज़ से ज़्यादा कम होती है। तो इनका यूज़ तभी करें जब इसकी ज़रूरत हो, इसको एक हैबिट ना बनाएं कि इसको बार बार यूज़ करना है, इसको बार बार यूज़ करना है। तो डॉक्टर साहब, ये भी एक कहीं ना कहीं मिथ खड़ा हो गया है पूरी मार्केट में कि अगर ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं तो कैंसर होने का भी डर आपको है, क्या कुछ ऐसा कुछ है कि इससे? अभी तक ऐसी स्टडीज़ नहीं मिली हैं कि जिसके साथ इसमें कोई कैंसर होने का खतरा हो, क्योंकि ये सारे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं। हाँ, जो केमिकल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं, जैसे मैंने आपको बोला एंटीबायोटिक बेस्ड सैनिटाइज़र है, वो स्किन से एब्जॉर्ब होकर इवन कि आपके विरसल कैंसर्स भी कर सकते हैं, पर जो अभी रिकमेंडेड सैनिटाइज़र है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, इससे अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है कि इससे जो आपको कैंसर होने का खतरा। सर, एक आम आदमी जब सैनिटाइजर लेने जाएगा तो कैसे पहचान करेगा कि ये सैनिटाइजर मेरे लिए ठीक है,
या फिर किसी कोई किसी खास कोई कोई खास निशान होगा या कोई खास कलर होगा या कोई खास तरीका होगा उसे पहचानने का? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कोई खास जो विजुअल तरीका है ऐसा तो कोई नहीं है। सिर्फ आपको उसका लेबल पढ़ना पड़ेगा, उस लेबल में लिखा होगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको 60 से 70% अल्कोहल होना चाहिए, और अगर उसमें कोई ग्लिसरीन या कोई मॉइस्चराइज़र उन्होंने मिक्स किया है वो आपकी स्किन के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। उसमें कोई मॉइस्चराइज़र अगर उन्होंने मिक्स किया है, जैसे कभी एलोवेरा मिक्स किया होता है, तो वो आपकी स्किन के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमेशा पढ़िए कि उसमें क्या लिखा, और एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स वो सैनिटाइजर में नहीं होने चाहिए, जो आप एंटीसेप्टिक्स नहीं होने चाहिए। दूसरा आपने जैसे बताया कि मिथेनॉल नहीं होना चाहिए, मिथेनॉल नहीं होना चाहिए। उसका एल्कोहल जो है वो भी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या इथेनॉल, दोनों में से एक ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरा हमने देखा कि मास्क, आजकल फ्रीक्वेंटली लोग जो हैं एक दूसरे से साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सड़क पर जाते हैं, इवन लोगों ने घर में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो मास्क से भी क्या स्किन के अंदर इरिटेशन, क्योंकि कान के पीछे उसकी रबड़ की बेड लगी होती है, फेस पर आपके नाक के चमड़ी के ऊपर जो है वो कवर लगा होता है, और जब आप एयर भी आप इनहेल करते हैं, सांस इनहेल करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं घुटन होती है, तो उससे बिल्कुल, क्या बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम्स आपको? देखिए, मास्क के दो साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो मैकेनिकल साइड इफेक्ट जो आपने बताया कि जब मास्क की वो तनी जो पीछे से जाती है कान के पीछे, तो वो आपको इरिटेट करती है, जहाँ आपका मास्क बड़ा टाइट है वो आपके ब्रिज ऑफ नोज़ को इरिटेट करता है। और जब ये इरिटेशन से क्या होता है, दो चीज़ें होंगी, या तो वहाँ पे एलर्जी बनेगी या वहाँ पे ज़ख्म बनेंगे। अगर वहाँ पे ज़ख्म बनते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए जब आपने मास्क यूज़ करना है, आप हमेशा ये देखें कि मास्क जो है प्रॉपर साइज़ का हो, प्रॉपर फिटिंग का हो, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, क्योंकि अगर आप लूज मास्क यूज़ करते हैं तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, और अगर आप टाइट मास्क यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये मैकेनिकल इफेक्ट मिलेंगे। दूसरा है, मास्क पहनने से और क्या होगा, जैसे आप कह रहे हैं सफोकेशन फील होती है, जब हम सांस लेते हैं हमारे नाक के अंदर से गुजरती सांस हमारे फेफड़ों तक जाती है, तो उसके अंदर सांस में जो हवा हम अंदर खींचते हैं उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करती हैं बॉडी। एक तो उसमें आर्द्रता डालती है, एक उसको हीट अप करती है। वही जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो हीट अप सांस होती है वो हमारे फेस पे रहती है, उसकी वजह से हमारे जो है साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा, जब हीट अप सांस आपके फेस या स्किन स्किन के कांटेक्ट में आ रही है तो उसको ड्राई करना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, जब आप मास्क डालते हैं तो उसके बाद आपको देखिए कभी आपके नाक के अंदर भी आपको महसूस होता है कि बड़ी ड्राइनेस जैसी फील हो रही है, गले में भी आपको ड्राइनेस फील होती है, इवन आप लिप्स भी आपको लगता है कि मेरे ड्राई हो रहे हैं, और आपका जो एरिया मास्क से ढका रहता है वो भी आपको ड्राई ड्राई लगता है। दूसरा होता है, मास्क अक्लूजन करता है। अब अक्लूजन की वजह से जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है, जिनको पिंपल्स होने का खतरा है, उनमें क्या होता है ऑयल सेक्रेशन ज़्यादा है, तो ऑयल सेक्रेशन भी वो अंदर ही रह जाती है, मास्क के अंदर रह जाती है, और जब ऑयल मास्क के अंदर रह जाता है तो उसकी वजह से उनको पिंपल होने का खतरा बढ़ जाता है। और आजकल इसके लिए एक टर्म नई यूज़ होना शुरू है जिसको मास्क एक्नी कहते हैं, कि जो मास्क डालने की वजह से ही एक्नी हो रहा है। तीसरी चीज़ होती है, अगर आप बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत स्वेटिंग वाला सीजन है जैसे आजकल चल रहा है, और आपने मास्क डाला है, तो वो जिस एरिया में आपने मास्क डाला है जैसे शरीर में घमोरियाँ हो जाती हैं, वैसे फेस पे भी घमोरियाँ होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग इतनी हो रही है, मास्क आपने डाला है, हवा उसमें प्रॉपर जो है बाहर की नहीं लग रही है, आपकी अंदर की गर्म हवा ही सर्कुलेट हो रही है। वे आउट क्या है फिर अब इसका? और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका वे आउट है, सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मास्क, कि आप मास्क प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। उसकी क्लोदिंग, अगर आप सेल्फ होममेड मास्क डालना चाहते हैं तो ये देखिए कि आप कॉटन के मास्क यूज़ करें, ना कि आप कोई सिंथेटिक कपड़ा यूज़ करें। अगर मार्केट से मास्क ले रहे हैं तो आप उसका वो देखिए कि उसका फैब्रिक जो है वो हार्श नहीं होना चाहिए, वो रफ़ नहीं होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, जो मार्केट मेड मास्क है। उसके बाद आप मास्क यूज़ करने से पहले, जब आप मास्क डालने लगे हैं, उससे पहले पहले तो अपने पूरे चेहरे का अच्छे से धोइए, क्लीनअप करिए, ताकि आपके चेहरे पे कोई भी जो गंदगी ना रहे। फिर उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन के अनुसार यूज़ कीजिए। अगर तो आपका स्किन जो है ड्राई रहती है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, पर अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, ताकि स्किन की हाइड्रेशन बनी रहे। स्किन की हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारा स्किन बैरियर को मेंटेन करने के लिए। जब तक हमारा स्किन बैरियर मेंटेन रहता है, हमें स्किन के थ्रू प्रॉब्लम होने का खतरा कम रहता है, तो हमें अपना स्किन बैरियर मेंटेन करना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर लेडीज़ के लिए,
कि जब आप मास्क डालने लगे हैं तो मेकअप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप मेकअप डालेंगे चेहरे पे तो एक अक्लूजन बना देगा, और जब आपका ये गर्म सांस मिलेगी साथ में तो इसके साथ जो स्किन की प्रॉब्लम है वो बढ़ने का खतरा है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री को भी हमने कई बार देखा कि वो गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मास्क से ज़्यादा बेटर अगर होम मोड, जैसे आपने कहा कि अगर हम मास्क तैयार करते हैं जो सॉफ्ट और वो बिल्कुल इजी टू यूज़ हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा स्किन के लिए? बिल्कुल, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा स्किन के लिए एज़ कम्पेयर टू, एक तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको टेलर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो बाज़ार में मास्क मिलेगा वो आपके अनुसार नहीं मिलेगा, वो तो जहाँ टाइट होगा या लूज़ होगा जो पर्पज़ सॉल्व नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप अपने अच्छे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से मास्क बनाएंगे। तीसरा, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप उसको धोएंगे या साफ़ करते हैं मास्क को, तो उसमें कोई हार्श केमिकल ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कोई बड़े हार्श केमिकल के साथ मास्क को धोते हैं तो नेचुरली वो मास्क में अगर स्टे ऑन रह जाता है तो बाद में वही उसी की वजह से आपको चेहरे पर एलर्जी हो सकती है, आपका चेहरा उसी के कपड़े के अंदर जो केमिकल है उसको रिएक्ट करके उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को हमने देखा जैसे मास्क यूज़ करने के बाद उसको स्प्रे से ही, जो सैनिटाइजर स्प्रे से ही उसको जो है डिसइंफेक्ट करने की कोशिश उनकी रहती है, उसके बाद 8-10 घंटे उसको रख दिया, सूख गया तो उसको यूज़ करने, ये बेटर रहेगा? नहीं नहीं, मास्क को जैसे आपने सही फरमाया कि उसको सैनिटाइज आपने कर लिया, स्प्रे मार दिया, चाहे उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपने जो इन्फेक्टेड पार्टिकल है वो तो ख़त्म करिए, पर मास्क क्लॉग अप हो गया, क्योंकि मास्क जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है, तो थोड़ी देर में वो क्लॉग अप हो जाएगा, उसकी इफेक्टिविटी नहीं रहेगी, और क्लॉग अप होने से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आप हाइपोक्सिक फील कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपने उसको फिर से धोया नहीं है, उससे वॉश आउट नहीं किया है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था सैनिटाइज़र के लिए कि जब तक आपने, मतलब कि डर्ट तो रह गया ऊपर, डर्ट तो ऊपर ही रहेगी ना, जो आपने आपको सैनिटाइज तो कर दिया आपने, पर उस पर डर्ट भी रहेगी, उसमें जो फिल्टर किया है वो सब कुछ ऊपर ही रहेगा। सिंपल पानी से धुलना है या साबुन से धुलना? साबुन से धोना बेटर रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई भी हार्श डिटर्जेंट ना यूज़ करें, कोई भी नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करें, कोई हार्श डिटर्जेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं। हैंड वॉश वगैरह से यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे धो सकते हैं। और ठीक डॉक्टर साहब, आपने समय दिया इतना और हमारे दर्शकों को भी बताया कि आखिर क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैंड सैनिटाइजर से और मास्क से आ सकती हैं। निश्चित रूप में हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, खासतौर पर जो बच्चे जब इसको इस्तेमाल करें तो किसी न किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहते हुए ही इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे इसका बेजा इस्तेमाल कर दें, अगर ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र अपने हाथ में लेकर और उसके बाद अपना हाथ जो है वो मुंह में या आंखों में या नाकों पर लगाएंगे तो उसके आगे आने वाले समय में साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब ज़रूरत हो तभी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगर हमें प्रेफर ये करना चाहिए कि साबुन के साथ हम हाथ अगर धोएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा हम लोगों के लिए। इसी तरीके से जो मास्क का इस्तेमाल होना करना है वो मास्क प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए, आपको फ़िट होना चाहिए आपके लिए, और अगर आप घर में बने हुए मास्क का इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी तक मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में के लिए इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।